हेलो एवरीवन, मैं आदित्य आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं अपनी यूट्यूब चैनल लेट्स गो टेक्निकल में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। तो आज का वीडियो हमारा टेबल से रिलेटेड है। तो आपको सबसे पहले आ जाना है इंसर्ट ऐप में, और इंसर्ट टाइप में आने के बाद एक छोटा सा टेबल कोई बना लीजिएगा। बनाने का तरीका बताया गया पिछली वीडियो में, जाकर देख लीजिएगा कि टेबल कैसे बनाया जा सकता है। तो आज आपको बताया जाएगा लेआउट टाइप के बारे में। जब टेबल के अंतर्गत कहीं भी आपका सिलेक्शन होता है, तो जो ही आप टेबल के अंतर्गत सिलेक्शन करेंगे तो यहाँ पे टेबल टूल्स आएगा, फिर लेआउट टैब आ जाएगा। अब लेआउट टैब में जाएंगे तो यहाँ पे आपको पिछली वीडियो में स्प्लिट सेल तक के ऑप्शन को क्लियर करा दिया गया है। अगला ऑप्शन है स्प्लिट टेबल का। तो स्प्लिट का मतलब क्या होता है? ब्रेक करना होता है। अगर स्प्लिट सेल का यूज़ करेंगे तो हमारा सेल दो या दो से अधिक भागों में डिवाइड हो जाता है। अगर स्प्लिट टेबल का यूज़ करते हैं तो हमारा टेबल दो भागों में डिवाइड हो जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर एक छोटा सा टेबल बना हुआ है और हमारा सिलेक्शन जो है यहाँ पर है, यानी तीसरे वाले रो के अंतर्गत मेरा सिलेक्शन है, और यहीं पे हम स्प्लिट कॉलम पे टेबल पे क्लिक कर दिए तो तुरंत मेरा टेबल जो है दो भागों में डिवाइड हो चुका है। यानी जहाँ पे आपका सिलेक्शन रहेगा वहीं से हमारा टेबल दो भागों में डिवाइड हो जाएगा। हम चाहते पहले जैसा हो जाए, तो सिंपली आपको कुछ नहीं करना है, या तो आप क्या करिएगा, कंट्रोल के साथ जेड बटन प्रेस कर दीजिएगा, तुरंत पहले जैसा जो है ये टेबल हो जाएगा। फिर हम चलते हैं लेआउट टैब के अंतर्गत। एक ऑप्शन होता है स्प्लिट सेल का। देखिए क्या है, जैसे सेल है मेरा, ये सेल बना हुआ, अब इस सेल को हम चाहते हैं दो या दो से अधिक भागों में डिवाइड करना, तो स्प्लिट सेल पे क्लिक कर दीजिएगा। अब पूछेगा कितना कॉलम चाहिए, तो हमने कहा तीन कॉलम चाहिए। कहेगा कितना रो चाहिए, तो हमने कहा कि कितना रो चाहिए, हमको चार रो चाहिए। तो चार रो ये हो रहा है, ध्यान में रखिएगा चार रो क्यों हो रहा है। अभी देखिए, ये एक सेल के अंतर्गत अगर दो सेल सेपरेट किया गया रहता, अगर यहाँ मर्ज किए रहते तो केवल दो ही रो बन पाता, उससे अधिक नहीं रो बन पाता। तो यहाँ पे हम क्लिक कर दिए, क्लिक करने के बाद देख सकते हैं यहाँ पे तीन कॉलम हो चुका है और इसी के अंतर्गत चार रो बन गया। तो स्प्लिट सेल ऑप्शन का काम यही होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक होता है ऑटो फिट ऑप्शन। तो ऑटो फिट में क्या है, तीन प्रकार के ऑप्शन है। हमने एक साधारण टेबल बना लिया, टेबल बनाने के बाद कहता है ऑटो फिट कंटेंट। ऑटो फिट कंटेंट पे जब आप क्लिक कर देंगे तो हमारा टेबल क्या हो जाएगा, कंप्रेस हो जाएगा। यानी उसके अंतर्गत केवल सिलेक्शन का जगह बचेगा। तो आप कहीं भी सिलेक्शन करेंगे तो वहाँ सिलेक्शन करने के बाद जो है हम कुछ भी लिख रहे हैं, जैसे मान लीजिए हमको एक डेटा बनाना है तो हमने यहाँ पे कर दिया नेम। यानी यहाँ पे जो चीज़ हम टाइप करेंगे उसी के अकॉर्डिंग कॉलम की विड्थ जो है बढ़ती चली जाएगी। यहाँ पे मान लीजिए हम कर दिए फादर्स नेम, तो यहाँ पे फादर्स नेम टाइप कर दिए तो यहाँ पे देखिए उसी के अकॉर्डिंग क्या हो रहा है, उसकी विड्थ जो है बढ़ती चली जा रही है। एक ऑप्शन यहाँ पे देखिए क्या है, ऑटो फिट विंडो। ऑटो फिट विंडो का मतलब क्या है, जितना मेरा वर्क एरिया रहता है, पेज की चौड़ाई जितनी रहती है, मार्जिन को छोड़कर ऑटोमेटिक क्या होता है, उतने बड़े रेंज में मेरा टेबल तैयार हो जाएगा। उसके बाद जब हम कुछ लिखेंगे तो फिर कॉलम की चौड़ाई बढ़ती चली जाएगी। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे हमने लिख दिया एड्रेस, एग्जाम्पल के तौर पे जो है हम यहाँ पे लिख रहे हैं एड्रेस। ठीक है, और यहाँ पे जो है एड्रेस में क्या है, एड्रेस में हम चाहते हैं लिख दे सिटी। तो देखिए जितना होने लायक था बाय डिफ़ॉल्ट उतना हो गया, इससे अधिक नहीं होगा। अगर इससे एक्स्ट्रा लिखेंगे तो ऑटोमेटिक देखिए दूसरी लाइन आती चली जाएगी उसी के अंतर्गत से, यानी रो की हाइट बढ़ती चली जाएगी लेकिन कॉलम की विथ उतनी ही रहेगी जितना बाय डिफ़ॉल्ट एक टेबल की विथ जो है होनी चाहिए। क्लियर है, यहाँ पर हम कंट्रोल जेड करके जो है बैक कर दिए। फिर एक ऑप्शन होता है ऑटो फिट कॉलम विथ, यानी यहाँ पे ही हो गया ऑटो फिट विंडो। तो एक कह रहा है फिक्स कॉलम विथ, तो फिक्स्ड कॉलम विथ का मतलब ये है कि प्रेजेंट टाइम में, जैसे मान लीजिए हम चाहते हैं यहाँ से फिक्स करना, तो यहाँ पे हम क्या करें, कॉलम लाइन पे गए, थोड़ा सा इसकी जो जगह है इसको हम कम ज़्यादा कर लिए अपने अनुसार, जैसे भी करना हो। तो यहाँ पे कॉलम लाइन पे आके यहाँ से हम कॉलम की विथ बढ़ा सकते हैं, यहाँ रो लाइन पे आएंगे तो डाउन करके रो की हाइट बढ़ा सकते हैं, ये अपने अनुसार चलेगा। यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, टेबल की हाइट बढ़ा सकते हैं, टेबल को छोटा कर सकते हैं, ये ज़रूरत के अनुसार चलता है। ठीक है, अगर आप यहीं पर जो है आप यहीं पे क्या कर लिए, फिक्स्ड कॉलम विथ पे क्लिक कर दिए, तो ये कॉलम की विथ क्या हो चुकी है, फिक्स हो चुकी है। तो जितना दिख रहा है उससे अधिक हो ही नहीं सकता, ना आगे जाएगा ना पीछे जाएगा। यहाँ पे लिखेंगे तुरंत वहीं से दूसरी लाइन में लिखना स्टार्ट हो जाएगा, यानी कॉलम की विथ फिक्स हो चुकी है लेकिन रो की हाइट क्या है, बढ़ती चली जाएगी। जो भी एक्स्ट्रा हम लिखेंगे वो नीचे की तरफ चलता चला जाएगा। तो शायद ये तीनों ऑप्शन आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए
आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे ये कह रहा है आर टू फिट, सॉरी ये आर टू फिट वाला हो गया। अब एक होता है ऑप्शन यहाँ पे रो हाइट, एक होता है कॉलम भी। तो रो हाइट का मतलब क्या है, जिस कॉलम पे जिस रो में क्लिक करेंगे तो यहाँ पे रो की हाइट दे रहा है, यहाँ से हम क्या कर सकते हैं रो की हाइट बढ़ा सकते हैं। सेम यहाँ से हम क्या कर सकते हैं रो की हाइट बढ़ा सकते हैं। यहाँ से कहता है कॉलम की विड्थ बढ़ा सकते हैं, तो जिस कॉलम में मेरा सिलेक्शन है वहाँ से कॉलम की विड्थ बढ़ा सकते हैं। कम करना है तो यहाँ से कम भी कर सकते हैं, यहाँ से रो की हाइट कम कर सकते हैं। ये हो गया। अगला कह रहा है डिस्ट्रीब्यूट रो डिस्ट्रीब्यूट कॉलम। डिस्ट्रीब्यूट रो डिस्ट्रीब्यूट कॉलम का मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए किसी कॉलम की हाइट थोड़ा अधिक कर दिए, किसी कॉलम की थोड़ी और अधिक कर दिए, किसी सॉरी रो की हाइट कम कर दिए, किसी रो की और हाइट कम कर दिए हम, किसी रो की हाइट और बढ़ा दिए। तो इस तरीके से अब किसी कॉलम की भी इसी तरीके से हम बढ़ा दे रहे हैं, किसी का कम कर दे रहे हैं, यानी क्या है किसी का ज़्यादा है किसी का कम है, यानी डिफरेंट डिफरेंट सबकी हाइट और विथ रखी गई है। लेकिन आप चाहते हैं कि इस टेबल की साइज मेरी इतनी ही रहे, यानी जितना हाइट है उतना ही रहे और जितना मेरे टेबल की विथ है उतना ही रहे। लेकिन डिस्ट्रीब्यूट रोज करेंगे तो तुरंत क्या हो जाएगा, हर एक रो की हाइट जो है एक समान हो जाएगा, यानी उतनी हाइट में ही मेरी टेबल रहेगी, बट हर एक रो की हाइट क्या हो जाएगी एक बराबर हो जाएगी। डिस्ट्रीब्यूट कॉलम करेंगे तो हर एक कॉलम की चौड़ाई क्या हो जाएगी एक बराबर हो जाएगी। तो डिस्ट्रीब्यूट रोज का हम क्या कर सकते हैं, हर एक रो की हाइट एक समान कर सकते हैं, और डिस्ट्रीब्यूट कॉलम से हम क्या कर सकते हैं हर कॉलम की चौड़ाई जो है एक समान कर सकते हैं। अगला ऑप्शन होता है अलाइनमेंट का। तो अलाइनमेंट पे जाएंगे तो अलाइनमेंट में चार प्रकार छह प्रकार के अलाइनमेंट मिलते हैं। ये ऊपर वाला टॉप होता है, ये मिडल होता है, ये बॉटम होता है, ये जो होता है लेफ्ट होता है, ये जो होता है सेंटर होता है, ये जो होता है राइट होता है। अब देखिए इसका काम क्या होता है, जैसे मान लीजिए इसमें कोई डेटा लिखा गया ऐसे सिंपली, तो लिखा गया है तो हम यहाँ पे क्लिक कर दिए, तो क्लिक करने के बाद जो है अगर हम टॉप पे क्लिक करेंगे तो देखिए ये टॉप लेफ्ट होता है, यानी टॉप लेफ्ट साइड है। अगर यहाँ पे करेंगे तो मिडल सेंटर आएगा, तो जो लिखे रहेंगे देखिए बीच में दिख रहा है, फिर यहाँ पे लिखेंगे लेफ्ट बॉटम तो सबसे नीचे दिखेगा। फिर इसी तरीके से हम कह रहे हैं कि एल क्या है बॉटम सेंटर करेंगे तो देखिए बीच में सबसे नीचे दिख रहा है। अगर हम चाहते हैं बॉटम क्या रहे हाँ मिडल सेंटर है तो मिडल सेंटर कर दीजिएगा। यहाँ पे क्या कर रहा है टॉप सेंटर कर रहा है, टॉप सेंटर। यहाँ पे राइट सेंटर होता है, मिडिल सेंटर होता है, और राइट बॉटम राइट होता है। तो इस तरीके से राइट कर सकते हैं, मिडिल राइट और टॉप राइट, इस तरीके से। तो जहाँ पे भी आपका सूटेबल रहे उस जगह पर इसको रखा जा सकता है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं अपने सेल के अंतर्गत लिखे गए टेक्स्ट को एक जगह से दूसरी जगह पर रख सकते हैं जहाँ पे आपके लिए सूटेबल हो। अगला नंबर होता है डायरेक्शन का। तो डायरेक्शन जैसे मान लीजिए नेम लिखा गया तो डायरेक्शन क्लिक करेंगे तो इसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा चेंज हो जाएगा। यानी जैसे मान लीजिए कोई बड़ा सा टेबल बना रहे हैं तो वहाँ पे क्या कर रहे हैं कॉलम की भी ज़्यादा बढ़ जा रही है, लेकिन आपका डेटा उसमें मान लीजिए यस नो ऐसे कुछ करना है तो डायरेक्शन डाउन साइड कर दीजिए। तो नॉर्मली आप डेटा जो है फीड कर सकते हैं तो कॉलम की चौड़ाई क्या रहेगी कम ही रहेगी, लेकिन आपका काम जो है हो जाएगा। अगला ऑप्शन होता है सेल मार्जिन। सेल मार्जिन का मतलब क्या होता है, जैसे सेल के चारों तरफ जो जगह छूटी रहती है, जैसे लेफ्ट साइड देखिए कुछ इस पे छूटी हुई है, टॉप साइड कुछ इस पे छूटी है, सेम सब में ऐसे ही है। तो आप क्या कर रहे हैं कि यहाँ क्लिक किए तो कहेगा टॉप कितना रखना चाहते हैं, तो टॉप पे देखिए 0 ऑलरेडी है, लेफ्ट पे 0.08 है, तो देखिए थोड़ा स्पेस अधिक है। अगर इसी को हम और कर दिए, जैसे कर दिए 0, जैसे कर दिए 0.5 कर दिए डायरेक्ट, तो अभी देखिए क्या हो रहा है थोड़ा और अधिक हो गया, यानी 0.5 जो है मार्जिन बच गया। यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे मार्जिन एरिया बढ़ गई है। तो यहाँ से जब भी हम किसी सेल में लिखेंगे तो उससे अधिक जगह रहेगा तभी लिखेगा। तो यहाँ पे ये हो गया। अगर इसी को हम क्या कर दिए एकदम 0 कर दिए तो पूरा खत्म हो जाएगा, देखिए एकदम नज़दीक से दिखाने लगेगा। तो ये आला क्या होता है मार्जिन का काम होता है। तो मार्जिन ऑप्शन शायद आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ेंगे तो एक ऑप्शन होता है शॉर्ट का। तो शॉर्ट ऑप्शन का मतलब क्या होता है, शॉर्ट ऑप्शन जो होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑप्शन होता है। इससे आपको जो है प्रॉफिट क्या मिलेगा ये चीज़ बताया जाएगा नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के लिए इतना ही। यदि मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल लेट्स गो टेक्निकल को, बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।